ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਸਟਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਬਰਨਾਮਾ ਮੈਂ ਆ ਦੇਵਿਕਾ ਜੈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਪਿੱਖੇਵਿੰਡ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆਂ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ शहर विच ट्रैफिक व्यवस्था खराब लोग परेशान G20 सबमिट नू लेके शहर विच वक-वक दीवारां ते अमृतसर दे विरसे नू दर्शाउंदियां बनाईयां जा रही हन पेंटिंग्स अते उन खबरां विस्तार नाल जिला तरन तारण पुलिस वालों थाना पिखीविंड अधीन हुई खो दिया वारदाता ट्रेस करके 6 दोषियों गिरफ्तार किया गया है। SSP गुरमीत सिंह चौहान ने दस कि थाना पिखीविंड पुलिस ने दोषी बलजिंदर सिंह वरिंदर सिंह कुलवंत सिंह गुरचंद सिंह राहुल और रिंकू को गिरफ्तार करके इन्हों के कब्जे में 14,93,550 रुपए की नकदी और एक गड्डी महेंद्रा पिकअप बरामद कर मामला दर्ज किया है। दोषियों तो अगे पुछ के जारी है अते होर बरामदगी होने की उम्मीद है। 17 फरवरी को पिखीविंड एक सुनीता राणी वाइफ ऑफ राकेश कुमार ने इनफॉर्म किया कि वो घर के चोरी हुई है रात के समय तो कुछ 8-9 तोले सोना तो नाल जो है कुछ कैश सो कुल कोई तकरीबन 8-9 लाख रुपए की जी चोरी उन्होंने दसी सी तो वो जी हैगी है तफतीश की गई पुलिस स्टेशन पिखीविंड वालों इन्हे इंस्पैक्टर SHO पिखीविंड DSP प्रीतिंदर सिंह पिखीविंड की सुपरविजन तो ये जोड़ा है मुख्य दोषी जोड़ा उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया तो 2,59,000 रुपया तो कुछ जोड़ा है गहने वो जी जी बरामदगी की जा चुकी है। उसके 2 दोषी सके एक हल गिरफ़्तार हो गया दूसरे दे भज्या हुआ उन्होंने भी जल्दी गिरफ़्तार कर लिया जाऊगा। इस तो अलावा एक मैक फूड्स एक अपना मिल्क फूड्स करके कंपनी है उन्होंने घ्यो तो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने की जोड़ा काम चल रहा है उन्होंने अपने एक ड्राइवर को फाजिलका डिलीवरी वास्ते भेजा सी तो 18 तरीक की रात को उन्हें जोड़ा है रिपोर्ट किया कि कुछ बंद ने रास्ते दे विच रोक के वो गड्डी दे विच तो पेमेंट लैके जो आया सी फाजिलका तो उन्होंने रोक के वो तो कुटमार करके उन्हें तो खो कर ली है तो जिहड़ी तफतीश मुकदमा दर्ज कर लिया सीगा 19 तरीक नूं तां उहदी तफतीश जिहड़ी हैगी है वह भी DSP साहब ने अपनी सुपरविजन थले SPD साहब की सुपरविजन दे विच की गई तो उदों इस वड्डी वारदात नूं जिहड़ा हैगा इहदे विच तकरीबन 13 लाख कुछ अमाउंट सी जी चोरी हुई सी 13,60,000 की वो खो हुई सी तो वो दोषी जोड़ा है मेन वो गिरफ्तार 2 दोषी गिरफ्तार कर किए गए हैं तो 12,34,000 रुपया वो कैश जोड़ा है बरामद किया जा चुका है। सो ये बड़े दोनों ही सेंसेशनल केस से जिदे करके काफ़ी उत्थे एरिए दे विच ऐसा मैसेज गया सीगा कि भी शायद कोई गैंग एक्टिव हैगा जिहड़ा कैश ते उन्हूं लुट्टां करन विच एक्टिव होया होया उस दे कारवाई करदे होए इन्होंने बड़े सुचजे ढंग नाल इन्वेस्टिगेशन कीती ते दोनों ही केस जिहड़े हैगे ने सॉल्व कर ले ने। शहर विच दिन ब दिन वध रही ट्रैफिक प्रणाली जो कि हल होण दा नाम नहीं लै रही जिस वल जिला प्रशासन अते ट्रैफिक पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। जेकर गल करिए शहर दे अंदरून इलाके टेलीफोन एक्सचेंज चौंक करमेडोड़ी कटरा आलूवालिया कटरा शेर सिंह रामबाग हाल बाजार बाजार टाली साहब की तो कोई भी ऐसी सड़क नहीं जो ट्रैफिक जाम तो वांझी होवे अते लोकां वल्लों रोंग साइड पार्क कीतियां अपनियां गड्डियां टू व्हीलरस सड़कां ते लवारिस हालत विच लगा के ट्रैफिक जाम नूं वधावा दिता जा रहा है जिसके चलदियां लोकां वल्लों साडी फास्ट न्यूज़ टीम नाल गलबात करदियां सरकार अते जिला प्रशासन तो मंग कीती गई कि सड़कां ते लगदे जाम वल ध्यान दिता जावे तां जो लोकां नूं किसे भी तरह दीआं मुश्किलां दा सामना ना करना पवे। ये दिक्कत कटरा जयम सिंह हाल बाजार है लेकिन सब ना वड्डी दिक्कत जिहड़ी जी ना जे साढ़े अमृतसर शहर की कहो तो वह कारण है कि इत्थे पार्किंग की फैसिलिटी ना होना एक तो गुरु घर का शहर है
बाहरों इन्नी संगत आती है, शहर के लोग ने उन्होंने भी गड्डिया वो गड्डिया असं अज तक 20 साल असी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं देखा कि किसी ने सू पार्किंग बना के दी हो। सानू कह देंगे ने कि मच्छी मंडी ताड़ी अपरूव है जी, तैयार हो रही है, फ्रूट मंडी ताड़ी अपरूव है जी, तैयार हो रही है, दीनदयाल उपाध्याय मार्केट जी मार्केट बनी सी पार्किंग वो भी इन्होंने बंद कर दी हुई है, वो भी इन्हों का कोई झगड़ा चलता पे आपस, जिदे करके सारा लोड ही जोड़ा ना वो बाजारों च आ गया है। तो लोग हम गड्डिया तो कितने खड़ी करेंगे ना, जो तुम पार्किंग दोगे नहीं तो लोग बाजारों से गड्डिया खड़ी करेंगे, जो बाजार से गड्डी खड़ी होगी वो जाम लगेगा। चाहिए कि पार्किंग फैसिलिटी देन इमीजिएटली इमीजिएटली। मच्छी मंडी है जो शहर के बीच पार्किंग की फैसिलिटी चाहिए होगी, मच्छी मंडी, कैरो मार्केट और बाहर फ्रूट मंडी जी जगह खाली पई है उन्होंने पार्किंग बना दी जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। हब है तुहाडे अमृतसर शहर गुरु रामदास जी नगरी तो यही है ना, बाहर थोड़ा वसाई सी उन्होंने, उन्होंने गुरु रामदास जी नगरी ये बनाई थी ना अंदरली। तो जे तुम इन ही खत्म कर दोगे, जे तुम पार्किंग फैसिलिटी नहीं दोगे तो हौली हौली शहर से जो लोग दुकानदार ने अक के बाहर चल जाएंगे। यह है बाजार कैशधारा, बाबा लाल जी का मंदिर है इतने की कहते बिजनेस प्लेस है, पर इतने बैटरिया करके तो एन बैटरिया करके इन्ना जाम है कि दुकानदार की हालत बुरी हो गई है, व्यापार करना मुश्किल हो गया। जिकी कहते माल आंदा जे टांगे च या आटो च माल आ नहीं सकता क्योंकि बैटरिया ने इन्ना जाम लगाया होया है, साडा बिजनेस पूरा चौपट हों, असं सोच रहे कि कस्टमर आंदा ही नहीं, शिफ्ट हो जाए इतों इन्ना बुरा लगा। गवर्नमेंट साढ़े बाजार वाल ध्यान देना चाहिए, साड़ी जिंदगी नरक हुई पई है ना, इतने बिजनेस चल रहा है तो बस जाम ही जाम सारा दिन देख के तो चल जाने कार, कोई कस्टमर नहीं आता, प्रॉब्लम है बड़ी साढ़े दुकानदार लिए। यह बाजार कैशधारा, शासी मार्केट, कटरा आलू वालिया, करमन ड्योरी, चार बाजार ने जिथे सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम। शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका जो कि गुरु नगरी के बिल्कुल अधीन है, जोड़े अंदरून इलाके ने कटरा जैमल सिंह टाइफून एक्सचेंज, कटरा आलू वालिया, कटरा जैमल सिंह, कटरा छेड़ सिंह, शहर के बहुत ही इंपोर्टेंट रस्ते ने। कारण है कि गुरु नगरी में मेन रस्ता सारा यह जाता है सचखंड श्री हरिमंदर साहब नूं, लखां दी तादाद लोग रोज़ाना इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो पर जे गल कर लीए इस रोड के उत्ते बैटरी रक्षा की इन्नी वड्डी तादाद हो जाती है, अंदर के इलाके बिल्कुल जाम हो जाते हैं, लोगों के काम कार करने बड़े मुश्किल होए ने, सड़कों के उपर गड्डियां जिहड़ियां लवार सहलत लोग खड़े कर देंगे ने। तो लोगों की एक ही मंग है पहल के आधार के उत्ते सरकार अगर लोगों ना वादे करती है उन्होंने कितने निपड़े भी चढ़े, उन्होंने कितने करके भी विखाए, विकास के कामों की पहल के आधार के उत्ते लोड़ है। शहर के अंदरून इलाकों जिहड़ियां गड्डियां लवार सहलत लगदियां इन्हों ठहराव के लिए जिहड़ियां कार पार्किंग बने, चाहे वह मच्छी मंडी की है तो चाहे वह हाल गेट की है तो चाहे वह सब्जी मंडी की है, जिन्हें भी इलाके लगदियाँ ऐसे एरिए एक कार पार्किंग होनी बहुत जरूरी है, तो जो लोगों को कोई सहूलत हो, जो भारी लंबे जाम लगते हैं वो ना लगन तो लोगों की मुसीबत का हल होन। देखना होगा साड़ी इस खबर तो बाद प्रशासन किन्ना क जागरूक हों इस मसले लिए की कदम चुकता है। कैमरामैन रमन कुमार के नाल सुशील शर्मा, फास्टवे न्यूज़, अमृतसर। म्यूनसीपल कारपोरेशन अमृतसर वालों एक वधिया उपराला किया गया जिस विच शहर दी सड़कां दे नाल लगदियां दीवारां उपर पेंटिंग कीती जा रही है। यह काम कारपोरेशन वालों कुछ ग्रुप्स नूं दिता गया है जिस विच प्रोफेशनल अते नवे पेंटर्स हन। शहर नूं आने वाले G20 सबमिट नूं ध्यान विच रखदियां सोहना बनाया जा रहा है अते आने वाले समय विच लोकल अते टूरिस्ट वास्ते एक अच्छा इंप्रैशन बनेगा। लोगों नूं अपनी कला विखाण दा एक सुनहरा मौका मिलिया है अते वेखण विच आया कि हर पेंटर अपना बेस्ट रिजल्ट देना चाहुंदा है। साड़ी टीम नाल एक पेंटर ने गल करदिया अपने काम बारे विचार सांझे कीते। हम लोग वॉल पेंटिंग कर रहे हैं G20 के रिगार्डिंग, जो सारी सिटी में अमृतसर सिटी में डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स हम बच्चों को अलॉट हुई हैं, इसमें स्टूडेंट कैटेगरी और प्रोफेशनल कैटेगरी सारी है। सो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं अपनी सिटी को ब्यूटिफाई करने के लिए, जस्ट ऑन द G20 के रिगार्डिंग जो सारा वर्क है हो रहा है। हम लोग लोगोज वगैरह जो है सब G20 के इस पर प्रिंट कर रहे हैं। बिल्कुल, वी हैव लाइक मे बी 10-15 डेज, तो जो यूथ है जो करना चाहता है दे कैन कॉन्टैक्ट द कॉरपोरेशन इंडिया, अमृतसर की जो कॉरपोरेशन है उनको कॉन्टैक्ट करके आप ब्यूटिफिकेशन में जो जो अमृतसर सिटी के लिए हेल्प कर सकते हो सबको आना चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी तरफ से। G20 को ध्यान में रखते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमृतसर ने आर्टिस्ट इनवाइट किए थे टू पेंट द वॉल्स। असं देख रहे हैं कि शहर के चारे पास बच्चे लगे हुए हैं, होनहार तरीके दे नाल पेंट करते पे ने और प्रोफेसनल लोग भी ये हैं, वॉलंटरी है इन्होंने अपने आप को सर्विसिज दतिया ने इन्होंने, और चंगा लगा है उपराला भी वधिया लगा कॉरपोरेशन का कि G20 ध्यान में रखद भावें शहर में सोना करन दा ही एक बीड़ा चुकया वो है बच्चों की आर्ट भी सामने आई। चलता रहे प्रोग्राम अगे वास्ते भी ताकि जिन्नी शहर में असं सोना रख सकते हैं आने वाले लोगों वास्ते उन्ना ही अच्छा एक एग्जाम्पल पेश करांगे। कैमरा पर्सन नरेश नाल, JP सिंह, फास्ट न्यूज़, अमृतसर। दिल्ली नगर निगम विच आम आदमी पार्टी दी कौंसलर
शैली ओबराय के मेयर चुने जा अमृतसर विखे आम आदमी पार्टी वालों भंडारी पुल तो फतेह मार्च कढ़िया गया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक तलवार, डॉक्टर इंद्रपाल, आप आगू ओम प्रकाश गब्बर, रमन कुमार समेत कई वर्कर्स मौजूद सन। अज के मौके पर मैं तो पहला सारे देशवासियों को बधाई देवगा कि आम आदमी का पार्टी का जोड़ा मेयर बने गया उत्तर दिल्ली के चुनिया गया और सारिया के सहयोग के नाल दिल्ली वासी और भारत वासियों के सहयोग नाल ही उत्तर चुने गए हैं। जोड़ा दिल्ली के फतेह हुई है ये दिल्ली च नहीं हुई है, ये आने वाले समय से पूरे हिंदुस्तान च होगी। 2024 तुम देखोगे केजरीवाल साहब हिंदुस्तान के तख्त के उपर बतौर प्रधानमंत्री बनेंगे। पुलिस थाना सदर दी पुलिस चौकी फतेहगढ़ चूड़िया रोड ने एक दोषी नु गिरफ्तार करके इस पासों एक पिस्तौल बरामद कीती है। एसीपी वरिंदरजीत सिंह खोसा ने दसिया कि पुलिस ने लवप्रीत सिंह नु गिरफ्तार कीता है। इस पासों एक देसी पिस्तौल अते पांच जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। दोषी तो अगे पूछगिछ जारी है। अमृतसर कमिश्नर दे पुलिस स्टेशन सदर दी चौकी फतेहगढ़ चूड़िया दी एक इनफॉर्मेशन सी हुई सी जिस विच सानू पता लग्या सी कि एक लवप्रीत सिंह उर्फ काकू जो कि प्रीतनगर का रहने वाला उस कोल इलीगल तौर पर वैपन लैके वो उस एरिए किसी मोटर पर बैठा हो जो साड़ी पुलिस पार्टी ने परचा दर्ज करने तो बाद मौके पर रेड की तो एक शक्की नौजवान उतों भजन की कोशिश की जो साड़ी पार्टी ने उन्होंने फड़ के उसकी तलाशी ली तो उस कोलों सानू एक 0.32 पिस्टल देसी पिस्टल तो पांच जिंदा रौंद उस को मिलेंगे। मुढ़ली पुछगिछ के आया कि यह पिस्टल इसने एम पी के किसी शहर चो लेके आया तो इसने उतों दो दे करीब गिनती के पिस्टल लेके आए हैं तो दूजे पिस्टल बारे हजे पुछगिछ जारी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय पंजाब सरकार ते जिला प्रशासन वालों 26 फरवरी तो 12 मार्च तक दशहरा ग्राउंड रणजीत एवेन्यू विखे नैशनल हैंडीक्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस हैंडीक्राफ्ट मेले में पूरे देश तो 250 हस्तशिल्पी भाग लेके अपने उत्पाद प्रदर्शन करेंगे। इस मेले के संबंध में सारिया तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह मेला देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव और G20 सबमिट को समर्पित है। इस मेले के दौरान लाइव शो भी होंगे। नैशनल ट्रेड फेयर मेला लग रहा है सारा जिस 300-350 स्टॉल आ रहा है आल इंडिया तो बाहर दी चीज़ा आनी है सारे बुनतकार आने ने हाथ दे बना हैंडीक्राफ्ट हाथ दे बनाए समान आने ने कोई नैशनल समान आने ने खाण पीन के समान बड़े तरह के लगने ने कोई जयपुर तो आ रहा कोई जोधपुर तो आ रहा कोई बॉम्बे तो आ रहा कोई राजस्थान तो आ रहा हर कंट्री स्टेट तो बंदे आ रहे यह जी 26 तो लैके 12 मार्च तक रहा। देखो पहले स्टार्टिंग होएगा पहले पता लगेगा रिस्पोंस का हले इसे हर तरह की आइटम आनी पाकिस्तानी सूट आएंगे दूजे सूट आएंगे बाहर के सूट आएंगे फुलकारियाँ आनगियाँ हाँ जी हैंडीक्राफ्ट के सूट आएंगे बुनतकार ज़्यादा आने हैं इतने बुनतकार हाथों ज़्यादा समान है। अमृतसर ट्रेड अमृतसर की मंडी तो कोई फर्क नहीं ये मंडी वड्डी है हाँ व्यापार वधेगा जी इत्थे इत्थे होलसेल माल लैके जाएंगे दुकानदार। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय पंजाब सरकार के जिला प्रशासन वालों पाइटस ग्राउंड रणजीत एवन्यू विखे 26 फरवरी तो लैके 12 मार्च तक नैशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर का आयोजन किया जा रहा है। दसा जा रहा है कि इस 350 तो वे बुनकर ने जो हैंडीक्राफ्ट के काम करने वाले कलाकार ने अपने समान के पूरे देश तो इतने आएंगे। सो इतने जो लोग जिन्होंने स्टाल लिया उन्होंने ये भी आखना है कि इस मेले के नाल अमृतसर का व्यापार होर बढ़ेगा और हुण इंतजार है 26 फरवरी का जो ये हैंडीक्राफ्ट मेला शुरू होगा और लोग देश के वक् वक् प्रांतों तो आए हैंडीक्राफ्ट जो कलाकार ने या जो बुनकर ने उन्होंने समान देखेंगे और इन्हों समान खरीदेंगे। जो कुल मिला के देखा जाए और भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय पंजाब सरकार और जिला प्रशासन का यह हैंडीक्राफ्ट मेला एक चंगा उपराला है। कैमरामैन रकेश कुमार ने संदीप सियाल फास्ट न्यूज़ अमृतसर। फास्टवे का फिल्मी चैनल नंबर 240 से फास्टवे मूवी चैनल नंबर 241 से फास्टवे मैट्रो चैनल नंबर 242 से फास्टवे म्यूजिक चैनल नंबर 243 से गुरुद्वारा शहीदा साहिब तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 556 श्री दुर्गयाना तीर्थ तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 563 से किया जा रहा है। मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन विखे सवेरे सीधा प्रसारण चैनल नंबर 241 और शाम को सीधा प्रसारण चैनल नंबर 242 से किया जाता है। फास्टवे के लोकल चैनल से एडवरटीजमेंट देने 4 नंबर 700
9308833 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ श्री मुक्ति नारायण धाम तिरुपति बालाजी मंदिर ग्रीनफील्ड विखे मनाया जा रहा है ब्रह्म उत्सव। एते कुछ होर खबरां एक छोटे जहे ब्रेक तो बाद। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ ₹5 से शुरू। Land in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे पारल पारल पासा जाने जा पन मेरी यामा लम्बी 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव खेड़े दिल दिया गल्ला ते क्यों टूटदे दिल जदों बंदे दा एक पैर मोहब्बत च होंदा ना आई लव यू जूनी ता एक पैर जन्नत च होंदा मिलेगा इलाज ना सब इल्मा दा मैनू प्यार कीता सी एने मेरे नाल आ कीता देखो अपनी मनपसंद ते कैंट कैंट फिल्मा ओनली ऑन तड़का फिल्मा दा ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। श्री मुक्ति नारायण धाम तिरुपति बालाजी मंदिर ग्रीनफील्ड मजीठा रोड विखे ब्रह्म उत्सव के संबंध में समागम करवाया जा रहा है। इस संबंध में महाअभिषेक और पूर्ण आहुति पाई गई। इस मौके सुनील उप्पल, चरणजीत अग्निहोत्री, रुपेश गोइंका, चरणजीत भास्कर, नरेंद्र शर्मा, धर्मपाल प्राशर, रवि शर्मा समेत कई लोग मौजूद सन। भगवान का ब्रह्म उत्सव मनाया जा रहा है जिदे विच पंचरात्री पद्धति होंदी है, अलग अलग प्रोग्राम होंदे है। पहला 23 तरीक नूं शोभा यात्रा सी, कल भगवान का विवाह से कल्याण उत्सव सी, अज महाअभिषेक है भगवान का। उहदे विच दुध दही मतलब पंच तरह दी जिहड़ी गवें जिहड़ी उहनां दे नाल भगवान का अभिषेक हुंदा है, स्पैशल फलां दे नाल अभिषेक हुंदा है। तो वो जिहड़ा दुध वगैरह हुंदा उहदी फिर खीर बना के भगवान दे अपना प्रसाद दे रूप च सारे भक्तों दे विच वितरण कीती जांदी। पवन कुंदरा दी माता जी श्रीमती रमेश राणी कुंदरा दा 13 फरवरी नूं देहांत हो गया सी। स्वर्गवासी रमेश राणी कुंदरा दे निमित प्रार्थना सभा होई अते रसम पगड़ी अदा कीती गई। इस मौके ते साबका मंत्री लक्ष्मीकांता चावला, जिला बीजेपी प्रधान हरविंदर सिंह संधु, अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे चेयरमैन अशोक तलवार, राकेश शर्मा समेत कई लोग मौजूद सन। उन्होंने पवन कुंदरा, संजीव कुंदरा,
अमित कुंद्रा अते आरएन कुंद्रा नाल दुख सांझा कीता। मेरठ के समाजिक कार्यकर्ता दिनेश तलवार अते दिशा तलवार ने अमृतसर तो जनसंख्या नियंत्रण प्रति जागरूकता लई जलियांवाला बाग तो उल्टी पदयात्रा शुरू की थी। उन्हें आख्या कि इस उल्टी पदयात्रा का मुख उद्देश्य लोगों को जनसंख्या नियंत्रण बारे जागरूक करना है। पिछले 30 वर्ष से सरकार से सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ सरकार को अब कानून बनाना चाहिए। 300 शहरों में पदयात्रा कर चुके हैं, पदयात्रा उल्टी होती है, हम उल्टा चलते हैं ताकि सरकार सीधा काम करे। तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं परंतु जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार का रुख कभी भी सकारात्मक नहीं रहा है। वेरका विच भगवान वाल्मीकि जी दे मंदिर विच संत समाज की बैठक आयोजित की गई। संत समाज ने आख्या कि कुछ शरारती लोग पिंड दियां कबरां ते कब्जा करना चाहते हैं जो नहीं हो दिता जाएगा। कबरां दा 200 साल पुराना कब्जे का रिकॉर्ड है। संत मलकीत नाथ, संत पंकज नाथ, करण वेरका अते संत मनजीत सिंह सैणी समेत कई लोग मौजूद सन। जो मौका वेख्या साध संगत की हजूरी दे विच जिहड़ा ओह संगत दा फैसला कि 200 साल पुराना वा, 200 साल पुरानी जिहड़ी ये जगह पई आ, हुण आण के कुछ बंदे आंदे वी शरारती जिहड़े ओह कब्जा करने चाहुंदे आ, पर वो जिहड़ा कब्जा उन्हां नूं नहीं दित्ता करन दित्ता जाएगा। इन्ने साल हो गए ते हुण थोड़े दिनां च ही इत्थों दे जी मालक खड़े हो गए जी। पहलां सुते ही बंदा पुछे, हुण वो इत्थे नजायज़ कब्जा करना चाहुंदे आ, दूजियां डुप्लीकेट रजिस्ट्रियां बना के, ते समाज दी जगह वा इत्थे कब्जा की करन नहीं दित्ता जाऊगा। और सतगुरु मलकीत नाथ महाराज ने आदेश दिता वा कि ये जड़ा कि शरारती अंसरां नूं कब्जा नहीं करन दित्ता जाएगा और समाज संघर्ष वास्ते तैयार है। 150 साल तो जड़ा वा ये कब्रिस्तान जड़ा इस तरह ही, तो कोई शरारती अंसर वालों इन दियाँ रजिस्ट्रियां करा के जबरन जड़ा वा ये जगह नूं खत्म करन दी कोशिश की जा रही है, पर ये कदे भी नहीं हो सकता। रविदास रोड हाल बाजार विखे महाशिवरात्रि के संबंध में लंगर लगाया गया। प्रधान दीपक अत्री, तरुण मल्होत्रा, जसविंदर सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। शिव शंकर भोला जति सती आधा शिव आधी पार्वती, शिव शंकर भोला जति सती आधा शिव आधी पार्वती, जो समझ गया वो पार हुआ, जो ना समझा वो मंदमती। राणा केबल पुनीत एसोसिएट्स ऑटो डीलर्स हुकम सिंह रोड वालों लंगर लगाया गया। साबका विधायक सुनील दत्ती ने लंगर की शुरुआत की थी। प्रबंधकों ने उन्होंने सम्मानित किया। आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, कल सारा दिन। शिव मंदिर सेवा सोसाइटी वालों सतनाम एवेन्यू पार्क बटाला रोड विखे भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापना का समागम करवाया गया। इस मौके भगवान वाल्मीकि आश्रम तूना साहिब ट्रस्ट के गद्दी नशीन महंत मलकीत नाथ अते चेयरमैन ओम प्रकाश गब्बर ने उचेचे तौर पर शिरकत कर मूर्ति स्थापना करवाई। इस मौके भारत भूषण भारती, जतेंद्र सिंह, वरुण मल्होत्रा, अजय मल्होत्रा, इकबाल, मुकेश महाजन, राकेश महाजन, राजकुमार मल्होत्रा, अशोक कुमार, मुस्तफाबाद समेत मुस्तफाबाद ते सतनाम एवेन्यू दे समूह इलाका वासी मौजूद सन। पार्क दे विच इक मंदिर बनया है जिहदे भगवान वाल्मीकि महाराज दा पावन स्वरूप स्थापित किया गया। लोकां ने इह प्रोग्राम लिखिया। साडी पार्क दे विच शिव मंदिर सोसाइटी वल्लों भगवान वाल्मीकि जी दी जिहड़ी अज मूर्ति स्थापना की गई आ, अज दे दिहाड़े दी सारी समूह संगत नूं लख लख वधाई होवे। महाशिवरात्रि के संबंध में बटाला रोड विखे लंगर लगाया गया। नशा विरोधी समाज निर्माण के चेयरमैन बाल कृष्ण शर्मा, विनोद, सुमित शर्मा, दीपक सोनी समेत कई लोग मौजूद सन।
महाशिवरात्रि के मौके पर टंडन नगर गली नंबर 6 विखे संकीर्तन का आयोजन किया गया और लंगर वरताए गए। कई लोगों ने हाजरी भरी। माता लाल देवी जी के जन्म उत्सव के संबंध में गली दर्जियां वाली कटरा जैमल सिंह विखे लंगर लगाया गया। अनिल उपल, पंकज उपल, संजीव खन्ना, जिला आम आदमी पार्टी एससी विंग के प्रधान डॉक्टर इंद्रपाल, यश शर्मा, योगेंद्र पाल टिंगरा समेत कई लोग मौजूद सन। श्री गुरु रामदास जी की बख्शिश सदका श्री सुखमनी साहब सेवा सोसायटी मजीठा रोड वालों हर साल की तरह इस साल भी 70 प्राणियों का जत्था तख्त सचखंड श्री हरिमंदर जी पटना साहिब की यात्रा लिए रेलवे स्टेशन तो बीती शाम रवाना होया। सब तो पहला गुरुद्वारा श्री हर राय साहब विखे अरदास की गई। इस जत्थे की अगुवाई सुसायटी के मीत प्रधान किरपाल सिंह ने की। इस मौके संत अमरीक सिंह साहब, ज्ञानी विशाल सिंह, कुलवंत सिंह जोधपुरी और बीबी पिंकी ने जत्थे नू रेलवे स्टेशन तो रवाना किया। इस मौके सुसायटी के कार्यकारी प्रधान भाई लखबीर सिंह, गुरद्वारा श्री गुरु हर राय साहब के प्रधान जगदीश सिंह वडाला, पिशोरा सिंह और जोगेंद्र सिंह ने जत्थे विच शामिल सुसायटी के जनरल सकत्र कुलविंदर सिंह प्रीत समेत समूह जत्थे नू सिरोपाओ दे के सम्मानित किया। शामिल ट्रेन ते जाना है उन्होंने उत्थे बिल्कुल बालीला गुरुद्वारे साहब जो बहुत वड्डा संतों की कृपा नाल उत्थे जो है बंदोबस्त किया होया उन्हां दे रहन सहन वास्ते जिथे सतगुरां ने आगमन धारण किया। सो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन बख्शिश करन संगतां दी यात्रा सफल सफल भई सफल यात्रा। महाशिवरात्रि दे संबंध विच लोपोके विच लंगर लगाया गया। वरिंदर मेहता समेत वड्डी गिनती विच लोकां ने भाग लै के प्रसाद लिया। शिवपुर दा लंगर लगाया महाशिवरात्रि के संबंध में यशपाल जी वालों बाबा मीर शाह मार्केट कमेटी वालों लंगर लगाया गया। एडवोकेट मनप्रीत शर्मा, दानिश शर्मा, रामपाल शर्मा, माता शारदा महेश्वरी, रमेश शर्मा, अनूप कुमार, गगन सरीन भी मौजूद सन। आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो। जिला तरनतारन पुलिस ने थाना पिखेवेंड अधीन होईयां खो दियां वारदातां नूं ट्रेस करदियां 6 दोषी कीते काबू। शहर विच ट्रैफिक व्यवस्था खराब, लोग परेशान। G20 सबमिट नूं लेके शहर विच वख-वख दीवारां ते अमृतसर दे विरसे नूं दर्शाउंदियां बनाईयां जा रहीयां हन पेंटिंग्स। इह सन अज दीयां खबरां। असीं अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।